भगवान के बनाए मंडे से लेकर संडे और संडे से लेकर मंडे तक का हर दिन शुभ ही है, लेकिन सोमवार के दिन जन्मे लोग कुछ खास लाखों करोड़ों में एक होते हैं। ज्योतिष विज्ञान के नज़रिए से हर दिन का अपना ही कुछ अलग महत्व बताया गया है, खासकर सोमवार के दिन का। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं। इनके बारे में जानकारी सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आचार्य प्रदीप मेहता, तो आइए शुरू करते हैं। चमक दूसरों की नहीं, ए मुसाफिर इस दुनिया को खुद से चमक दिखला। हम चांद की रोशनी जैसे संसार में चमकने वाले हैं। शाम ढलते जैसे चंद्रमा की रोशनी धरातल पर गिरती है, सबको शीतलता एवं मदहोश करती है, वैसे ही चंद्रमा प्रभावित सोमवार के दिन जन्मे जातक में शीतलता, परोपकारी, मिलनसार एवं संवेदनशील व्यक्तित्व के साथ मीठी वाणी बोलने वाले एवं बेहद कल्पनाशील होते हैं। इनको खास तौर पर सभी चीजें सही, परफेक्ट और संपूर्ण चाहिए। साथ ही इनको साफ सफाई एवं स्वच्छता से काफी लगाव होता है। यह जातक अपने शांत स्वभाव से ही यह अपनी विविध जाति के लोगों में काफी ज्यादा लोकप्रिय ही नहीं परंतु आकर्षण का केंद्र भी होते हैं। डाली से डाली पहुंचा, देखी गलियां, देखे फूल, देखे देश प्रदेश, तेरे जैसा कुछ नहीं देखा, बस तू मेरी, बाकी सब तेरा। इनके तरल स्वभाव के ही चलते इनको हर एक सुंदर व्यक्ति से साथ जुड़ा रहना और उनसे प्रेम संबंध बढ़ाना भी काफी अच्छा लगता है और यह सभी को भरपूर प्रेम एवं खुशी प्रदान करने वाले होते हैं। इसी के चलते इनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियां भी आ सकती है, लेकिन अगर यह अपने एक साथी के साथ ही जीवन में आगे बढ़े तो इनके दाम्पत्य जीवन के समाज में मिसालें भी दी जाती है। मेरे सामने तो रास्ते काफी सारे, कोई एक रास्ता पकड़ आगे चलो तो ही एक मुकम्मल मंजिल मिले। इनका मन ही इनका बड़ा शत्रु होता है। यह किसी एक कार्य में स्थिर नहीं रहते, हर बार अपना निर्णय बदलते रहते हैं, इसलिए इनको जीवन में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर यह जातक किसी एक क्षेत्र में ही आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर ही यह काफी आगे बढ़ेंगे और सफलता जरूर इनके कदम चूमेगी। यही सब करके ही इनको सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। साथ में यह जातक पूरी सुख सुविधा, भोग विलास एवं सर्व सुख प्राप्त करते हैं। चंद्र प्रभावित जातकों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ज्यादा मुख के भाग में आती है, क्योंकि हर एक ग्रह का प्रभाव शरीर के अलग अलग भाग में होता है। चंद्र शीतलता प्रदान करने वाला होता है, इसलिए मुख के भाग में जातक को शीतलता से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि सिरदर्द, सर्दी, खांसी एवं संक्रमण से जुड़ी समस्याएं। यह क्षेत्र पसंद करते हैं तो कामयाब रहते हैं। वह क्षेत्र है रंग संबंधी बिजनेस, पानी से संबंधित बिजनेस, तरल पदार्थ से संबंधित बिजनेस, आईटी फील्ड, नेवी, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षक की भूमिका में या फिर संसार को उपदेश देने कार्य के साथ हर छोटे बड़े कार्य में भी यह जातक काफी ज्यादा सफल रहते हैं। कोई एक डाली पकड़े, कोई दूसरी डाली पकड़े, हर डाली पर लिखा है किसी ना किसी का नाम, पर हम तो आए हैं पूरे संसार में रोशनी फैलाने, तो तब तो यह पूरा संसार ही हमारा। यह संसार के कोई भी क्षेत्र में जाकर कार्य कर सकते हैं। जैसे चंद्र की रोशनी को किसी क्षेत्र में मर्यादित नहीं किया जा सकता, वैसे ही यह जातक भी धरातल की कोई भी क्षेत्र में जाकर सर्वश्रेष्ठ कार्य के बदौलत काफी आगे बढ़कर सब सुख सुविधाओं का आनंद भी लेते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें जाने संसार पूरा, लेकिन जो जाने वो मर मिटे हम पर। सोमवार के दिन जन्मे जातक के दोस्त एवं साथी का परतुल बहुत बड़ा होता है। यह सभी को मदद करने वाले, सहानुभूति देने वाले और सभी को निस्वार्थ भाव से बेस्ट एडवाइस देने वाले होते हैं। चंद्रदेव सबको शीतलता एवं भाई दूज के दिन सबको अलौकिक शक्तियां देते हैं। वैसे ही चंद्र प्रभावित जातक अपने साथी मित्रों को सहारा देने में विश्वास रखते है। हमें पानी के साथ रखो या आग के साथ, हम तो उसी के बन कर रहे जिनके साथ हम या किसी भी परिस्थिति में ढाले जाते और सबसे प्यार करने वाले होते हैं। कभी कभी ज्यादा भावनाओं में बह जाना इनको परेशान भी कर सकता है, लेकिन यह सब परिस्थितियों से धीरे धीरे यह जातक जल्दी ही छुटकारा पा लेते हैं। सोमवार के दिन जन्मे जातक विद्याभ्यास में एवरेज होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनको सब चीजों का ज्ञान रहता है, सब चीज इनको अच्छे से ज्ञान भी होती है, तो अगर यह पढ़ने में भी किसी एक विषय में आगे बढ़े तो इनके लिए श्रेष्ठ रहता है। इनकी याद शक्ति भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मंजिल हमारी, रास्ता भी हमारा, अगर हुई किसी को दिक्कत तो जाने भी नहीं देंगे इतनी आसानी से।
जैसे चंद्रदेव के एक हाथ में आयुध और दूसरे हाथ में कमल है, वैसे ही चंद्र प्रभावित जातक संसार में सुगंध एवं प्रेम फैलाने वाले होते हैं। साथ ही अगर परिस्थितियां अनुकूल ना होने पर कितनी ही कठिन परिस्थितियों का सामना करने से भी नहीं डरते। हर चीज हमारी नहीं अपनी तो सिर्फ एक ही चीज है। आइंस्टाइन भी एक चीज पकड़ के आगे बढ़े, तभी तो इन्हें जान पाया पूरा संसार। यह काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और सभी चीजों को बारीकी से ज्ञान रखने वाले होते हैं। इनको सब अच्छे से पता होता है, इसीलिए ये जीवन में थोड़े बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। कोई कौन सा क्षेत्र इनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जैसे इनको सभी क्षेत्रों का अच्छे से नॉलेज होता है तो कोई भी क्षेत्र में ये आगे बढ़ सकते है। ऐसे ही विज्ञान के साथ ज्ञान की रोचक बातें जानने के लिए बने हमारे साथ। मैं आचार्य प्रदीप मेहता मिलूंगा आपको ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय की।